देखा और अनुभव किया है। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो देवी कात्यायनी के उस महान सफर से जुड़ी है जहाँ वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हैं। ये कथा नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर धर्म की अधर्म पर विजय तक की यात्रा को दर्शाती है। ये कैसी लीला है महादेव? आपकी अनुमति भी है और मेरा प्रयास भी। इसके उपरांत भी मैं आपकी परिक्रमा क्यों नहीं कर पा रहा हूं महादेव? परिक्रमा भक्त और भगवान के मध्य अटूट बंधन है ऋषिवर। भक्त के रूप में आप पूर्ण हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं अपूर्ण। तेरी परिक्रमा करने से पूर्व अपने इष्ट का वास्तविक स्वरूप जान लो प्रेंगे। वो कभी पूर्ण पुरुष नहीं है, उसका वाम अंग पूर्णता पार्वती तुम्हारा राष्ट्र है। अर्थ नारी, अर्थ नारी, अर्थ नारी, पुरुष का आधा भाग नारी, पुरुष का वाम अंग नारी ही है। महादेव नामक ये ईश्वर वास्तव में अर्ध नारेश्वर है, अर्ध नारेश्वर है, अर्ध नारेश्वर। महाबली महिषासुर के तुम और ना ही स्वयं महादेव। इसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूं आगे बढ़ो महिषासुर। आज ब्रह्मलोक और वैकुंठ के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। केवल वो स्त्री मार सकती तो स्त्री देव की शक्तियों से सज्ज हो। और तुम्हारी मृत्यु उदाहरण बनेगी, तुम्हारी की दुर्घटना का।